दोस्तों इस G20 समिट में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि अब यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल G20 में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। आप समझ सकते हैं ये अति महत्वपूर्ण खबर इसलिए है क्योंकि भारत के वीटो के लिए इसी G20 से आवाज़ उठने वाली है और ये आवाज़ जब उठेगी तो उस समय यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी भी मौजूद रहेंगे। और आपको बता दूं कि UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक इसी महीने में होने वाली है 19 सितंबर को और उसमें भारत वीटो के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। दोस्तों इसलिए ये सब कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण है। इधर रूस की बात करें तो उनके विदेश मंत्री भारत में हैं और जब वो भारत में पहुंचे तो थोड़े बहुत गुस्से में भी दिखे और एयरपोर्ट पर आप उनकी शक्ल के एक्सप्रेशन देख सकते हैं कि कैसे वो नज़र आ रहे हैं। और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि UNSC में जब भारत वीटो पाने के लिए आवाज़ उठाएगा तो देखना दिलचस्प होगा कि भारत को कितने देश समर्थन देते हैं। हालांकि रूस ने साफ कह दिया है कि वो बिना किसी शर्त के भारत को ही समर्थन देने वाला है। जी हाँ, ये आज से नहीं बल्कि कई सालों से रूस कहता हुआ आ रहा है और बीच बीच में वो भारत के समर्थन में आगे भी बढ़ता है। लेकिन ये G20 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत में हो रहा है और भारत में यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी जनरल मौजूद हैं तो यहाँ पर ही लगभग ये फैसला भी हो जाएगा क्योंकि इस G20 में दुनिया के 20 सबसे मजबूत लीडर मौजूद हैं और वो जो भी बोलेंगे निश्चित तौर पर हर किसी को मानना ही होगा। और जो देश में भारत को वीटो देने से आनाकानी करता है तो इसी G20 में उसका इलाज भी किया जाएगा। इसीलिए भारत इस G20 बैठक को लेकर सबसे ज़्यादा उत्साहित है। और तो और आपको बता दें कि सिर्फ पुतिन ही एकमात्र ऐसे नेता नहीं हैं जो भारत का साथ दे रहे हैं बल्कि जिस तरह से राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आ रहे हैं ये बात साफ है कि वो भी भारत को सपोर्ट करने वाले हैं और इससे भारत की शक्ति कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक भी भारत आ चुके हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दिए हैं। भारत आने पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ऋषि सुनक ने खुद बताया है कि भारत के लोग उनको भारत का दामाद कहते हैं और ऋषि सुनक ये बताते हुए काफ़ी मुस्कुरा रहे थे, जिससे साफ पता चलता है कि ऋषि सुनक भी भारत को अपना ही घर मानते हैं और वो भी भारत के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। हालांकि आपको बता दें कि भारत के पड़ोसी देश होने के बाद भी चीन के PM सी जिनपिंग भारत नहीं आ रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली बात है। और बता दें कि सी जिनपिंग ने अभी तक इस पर किसी तरह का कोई बयान भी नहीं दिया है। लेकिन आपको बता दें कि भारत को इससे किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत को सपोर्ट करने के लिए और भी 20 बड़े देशों के लीडर G20 में आ रहे हैं। इसी वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने सभी मेहमानों का काफ़ी अच्छे से स्वागत करना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सभी मेहमानों की सिक्योरिटी से लेकर उनकी तमाम तरह की खातिरदारी का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा है। PM मोदी चाहते हैं कि किसी भी तरह से किसी भी नेता को कोई परेशानी ना हो और सभी देश से जाने के बाद ना सिर्फ हमारे देश की तारीफ करें बल्कि भारत ने क्या कुछ उनके लिए कहा इसका खुद बखान भी करें। तो यही था इस वीडियो में। अब हम आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों G20 की बैठक पर तो सबकी नजरें है ही, लेकिन सबसे बड़ा अब चर्चा का विषय यह बन गया है भारत के दो दुश्मन देश, और एक तो ऐसा है जो G20 का सदस्य भी नहीं लेकिन वो बार बार कश्मीर में होने वाले G20 की मीटिंग से घबराया हुआ है। जी हाँ, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चीन, जिसके राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने खुद ऐलान किया है कि वो G20 में नहीं आएंगे। और अब ये दोनों देश भारत के बॉर्डर के पास क्या कुछ कर रहे हैं हम आपको बताएंगे। दोस्तों आप भी बस यही कामना करेंगे कि G20 की मीटिंग अच्छे से संपन्न हो जाए, क्योंकि अब G20 की मीटिंग के बीच चीन पाकिस्तान सीमा पर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो अब हम आपको डिटेल में बताएंगे। बता दें भारत की G20 मीटिंग से चीन को भारी दुख पहुंचा है और यह दुख इतना ज्यादा है कि चीन इस बात को संभाल नहीं पा रहा।
नतीजन चीन अपने पसंदीदा मोहरे पाकिस्तान के साथ भारत के खिलाफ जंग की तैयारी में जुट गया है। अब जब G20 मीटिंग के लिए विदेशी मेहमान भारत आ रहे हैं, तब चीन और पाकिस्तान सीमा पर भारी भरकम हथियारों के साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर एयरफोर्स एक्सरसाइज शुरू कर दी है और इस बात की जानकारी खुद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने दी है। इस पूरे अभ्यास को साइन एक्स नाम दिया गया है और हैरान करने वाली बात तो यह है कि चीन और पाकिस्तान यह युद्धाभ्यास ऐसे टाइम पर कर रहे हैं जब भारत G20 मीटिंग हो रही है और चीन और पाकिस्तान तो इस बारे में बहुत अच्छे से जानते ही है। बता दें कि युद्धाभ्यास चीन के उत्तर पश्चिम इलाकों में हो रहा है। इस युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान J-10C और JF-17 को शामिल किया गया है, जिसमें वायुसेना सहित थल सेना भी भाग ले रही है। चीन और पाकिस्तान के बीच युद्धाभ्यास तभी शुरू किया जाता है जब वो किसी तरह की फ्रंट वॉर करने की तैयारी करने के बारे में सोचते हैं, और यह जग जाहिर है कि पाकिस्तान और चीन एक ही देश को अपना दुश्मन मानते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि भारत ही है। अक्सर भारत के इलाकों से सटे सैन्य अभ्यास करते दोनों देश नजर आते हैं। दोनों देशों की सीमाएं भी भारत से मिलती है, जिन पर अक्सर तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है। हालांकि भारत भी युद्ध की किसी भी परिस्थितियों के लिए हर पल तैयार रहता है। खासकर G20 सम्मेलन को लेकर भारत की तैयारी पहले से ही कहीं ज्यादा है। भारत ने भी सीमा पर लड़ाकू विमानों की पूरी श्रृंखला लगा रखी है। S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम के साथ सीमा पर सुरक्षा घेराव बनाया जा चुका है। भारतीय जवानों की फौज बिना पलक झपकाए दुश्मनों की हर हरकत पर नजरें बनाए हुए हैं। बात अगर चीन और पाकिस्तान के युद्धाभ्यास की करें तो दोनों ही एयरफोर्स 2011 से ही शाहीन संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन कर रही है, जिसकी मेजबानी चीन और पाकिस्तान दोनों वैकल्पिक आधार पर करते हैं। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य क्षेत्र में रणनीतिक और समय परीक्षित सहयोगियों के बीच हवाई युद्ध प्रथाओं और चालक तत्परता को बढ़ाना है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक बयान में कहा है कि यह अभ्यास भाग लेने वाले कुशल पायलटों और बहादुर कर्मियों के लिए व्यवहारिक युद्ध परीक्षण की क्षमता को बढ़ाने के लिए है। वहीं इंडियन एयरफोर्स भी 4 सितंबर से बॉर्डर पर युद्ध अभ्यास शुरू कर चुकी है, जिसका नाम त्रिशूल दिया गया है। यह 14 सितंबर तक चलेगा। त्रिशूल युद्ध अभ्यास के अंदर फाइटर जेट वॉरहेड हेलीकॉप्टर लड़ाई के दौरान बीच हवा में फ्यूल रिफिल करने वाले प्लेन और बाकी तरह के एयर वेपन को शामिल किया गया। इस युद्धाभ्यास में और भी कई खतरनाक हथियारों को शामिल किया गया है। निश्चित तौर पर भारत का यह युद्धाभ्यास पाकिस्तान और चीन के युद्धाभ्यास का मुंहतोड़ जवाब है, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान अपनी जगह पर बने रहेंगे और भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की जरूरत नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर।